नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा छः में विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा छः की विज्ञान में हमारा नौवां पाठ चल रहा था। नौवे पाठ में आज हम पेज नंबर 82 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले पेज को मैंने आपको समझा दिया है और आज हम 82 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा क्रियाकलाप नंबर 2 है, तो आज हम यहाँ से पढ़ना मैं आपको समझाना स्टार्ट करूँगी। अध्ययन वन में दिए गए क्रियाकलाप 5 का संस्मरण कीजिए। क्रियाकलाप में मूंग के बीज के अंकुर निकल आते हैं अथवा वह अंकुरित हो गए हैं। यह बीज एक नए पौधे का आरंभ है। मूंग के कुछ सूखे बीज को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दे तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दे। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटे। उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबाकर रख दे। सूखे हुए बीज को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीज को बिल्कुल न हिलाए। भीगे बीज में से एक भाग को धूप वाले कमरे में रखे तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दे, जैसे कि अलमारी जिसमें से धूप नहीं जाती हो। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दे। इस तरह से प्रतिदिन जल में नम रहे तथा आधी अधिक जल को निकाल दे। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश में रखे भाग का अधिक ठंडा परिवेश में रख दे भाग में अंकुरण की दरी से कमी या कोई भी अंकुरण नहीं दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको मूंग का एक क्रियाकलाप करने को दिया है, जो हमने अध्ययन यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। कुछ सूखे मूंग को हमको एकत्रित करना है, यानी उसके ढेर लगाने हैं। कुछ मूंग को हमको एक दिन के लिए पानी में भिगो के रखना है और उसके 4 भाग, जैसे हमने मूंग लिया और उसके 4 भाग करने हैं। 4 भाग में एक भाग हमको बिना पानी का रखना है, एक भाग हमको पानी में भिगा के रखना है, एक भाग को पानी में भिगा कर और धूप में रखना है और दूसरे भाग को पानी में भिगा कर कुछ ऐसी जगह पे रखना है जहाँ धूप ना जाती, जैसे अलमारी या कोई डब्बे, उसमें हमें रख देना है। तो ये जब चारों 2-3 दिन के बाद ये चारों जब हम मूंग इकट्ठा करेंगे, देखेंगे, तो उसमें हर एक मूंग में अलग अलग उसका परिवर्तन हमें दिखाई देगा। तो उस चारों भाग के मूंग में हमें अलग अलग परिवर्तन दिखाई देते हैं। बच्चों, जो हमारे पास मूंग जिस मूंग को हमने पानी में भिगो के रखा था, 2-3 दिन के बाद हम देखते हैं तो उसके अंदर से रेशे जैसे कुछ भाग निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। और जो भाग हमने पानी में भिगो के और पानी जो अधिक पानी था उसे हमने निकाल लिया है, तो उसमें भी हमें रेशे दिखाई देंगे। और बाकी के जो मूंग थे उसमें हमें जो पानी में नहीं भिगोया था और फिर सिर्फ धूप में रखा था, उसमें हमें रेशे नहीं दिखाई देंगे। क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा के जैसे अजैविक घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में यह अजैविक कारक भी सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये मूंग के क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि जो जल, वायु, प्रकाश और ऊष्मा होते हैं, वह सजीव होते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इन्हीं के जो सजीवों के लिए वायु, जल और प्रकाश और ऊर्जा, ये सब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमने देखा कि सजीव बहुत ठंडी बहुत ऊष्मा परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्यों ऐसा नहीं है कि सजीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट अवस्था को अपनाते हैं? यह अनुकूलता काम आती है। यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि जो सजीव होते हैं उन्हें ठंडी भी अगर ज़्यादा हो और गर्मी भी ज़्यादा हो तो उसमें उष्मा परिवेश पाया जाता है। इसमें सजीव में ऐसा नहीं होता कि इसमें विषम परिवर्तन दिखाई देता हो। अनुकूलता के
अनुकूलता के अल्प काल में नहीं होता है, हजारों वर्ष अवधि में किसी क्षेत्र में जैविक घटकों में परिवर्तन होते हैं। ये जंतु जो इन परिवर्तन के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। केवल जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूल कर लेते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि अनुकूल अल्प काल में नहीं होते, यानी हजारों वर्ष में जिस प्रकार क्षेत्र में अजैविक घटक में परिवर्तन हमें पाए जाते हैं और हर तरह से जो वो जीव ही जी पाते हैं जो परिवर्तन में अपने आप को ढाल पाते हैं। यानी जैसे ठंडी ज़्यादा हो और वह जीव नहीं सह पाते तो ऐसे जीव वहाँ पे मर जाते हैं और वह अपना परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो आप जो अपने आप के बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलता ले लेते हैं, जीव विभिन्न अजैविक कारकों के लिए विभिन्न विविधियों से अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। इनके परिणाम विभिन्न अवसों में जैविक की विविधता का होना होता है। आइए कुछ आवासों को इनके जैविक घटक एवं उनमें रहने वाले विभिन्न जैविक में अनुकूल का अध्ययन करें। तो यहाँ पे बताया गया बच्चों कि जो कारक विभिन्न विविध अवधों में अनुकूल नहीं होते हैं और परिणाम उनका यही होता है कि वह अपने जीव नहीं बचा पाते हैं और आगे चल के उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अब आगे के पैराग्राफ में हम पढ़ने जा रहे हैं जैविक घटक और उसमें रहने वाले जीवों को अनुकूल का अध्ययन हम करेंगे। तो 9.3 है विभिन्न आवासों की यात्रा, यानी कुछ स्थलीय आवास। मेरुस्थल के जैविक घटक एवं ऊंट के अनुकूल के विषय में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मेरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधों में क्या होता है, क्या उसमें भी इसी प्रकार की अनुकूलता पाई जाती है? तो बच्चों यहाँ पे मेरुस्थल यानी मेरुस्थल के बारे में बताया गया। तो मेरुस्थल में जैविक घटक ऊंट के बारे में अगले ही हमने पढ़ लिया है। तो क्या वो जीव और पौधे जो क्या होते हैं वो इस प्रकार अपना किस प्रकार से अनुकूल इसमें पाए जाते हैं? यहाँ पे आपको बताया गया है चित्र में कि बिल में मेरुस्थल के जंतु, मेरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेजी गर्मी से बचने के लिए वह भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में नमी आती है तो वह जंतु बाहर निकलते। तो यहाँ पे बताया गया बच्चों के चित्र में कि आपको मेरुस्थल के जंतु के बारे में भी बताया गया। जंतु जैसे सांप और चूहे होते हैं वह ऊंट की तरह उनके लंबे पांव नहीं होते। मेरुस्थल यानी रेगिस्तान में राजस्थान रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पे गर्मी दोपहर में दिन में गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए चूहे सांप जैसे जंतु बिल में ही रहते हैं और जैसे ही रात्रि होती है तो वहाँ का तापमान थोड़ा ठंडक होता है तो अपनी वह जातियाँ यानी वह जंतु अपने बिल से बाहर आते हैं। मेरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे, मेरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे जैसे जो आपको चित्र 9.5 में दिखाया गया है, यह पौधे मेरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूल हैं? तो क्रियाकलाप नंबर 3, गमले में लगाए एक केस्टल तथा पत्तियों वाली एक पौधों कक्षा में लाइए। दोनों पौधों में कुछ भागों को पॉलिथीन थैली से ढककर किस प्रकार बांधिए? जिस प्रकार अध्ययन 7 के क्रियाकलाप 4 में हमने पौधों को वर्ष सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था, गमले में लगे पौधों को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे के बाद इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं, क्या आपको दोनों पॉलिथीन थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर दिखाई देता है? तो यहाँ पे बच्चों क्रियाकलाप नंबर 3 है, क्रियाकलाप करने को दिया है। यहाँ हमको एक गमला लाना है और केलिस्टन यानी प्लास्टिक की थैली से उस गमले के ऊपर जो पौधे लगे हैं उसे हमें बांध देना है। जैसे हमने पार्ट 7 में क्रियाकलाप नंबर 4 किया था उसी प्रकार रखना है और फिर बांधने के बाद हमें इसे धूप में रख देना है। अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक की थैली पर कुछ बाष्पी यानी कुछ पानी एकत्रित हुआ है या जो अंदर रखा है उस दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है।
मेरुस्थल के पौधे वाष्प सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मेरुस्थल पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या तो वह छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्ते कांटे या निशूल का रूप ले लेते हैं। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पी सर्जन में होने वाले जल हर्ष में कमी आती है। नागफली में पत्ती जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वो वास्तव में उसका तना है। 9.5 इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में होती है। तन एक मोटी मोमी परत से ढकी होती है जिससे पौधों को जल रक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मेरुस्थल पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहरी तक चली जाती है। यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि इसी प्रकार मेरुस्थल के जो पौधे होते हैं वो वाष्पी सर्जन के द्वारा क्या करते हैं, अपने जल में को एकत्रित कर लेते हैं और मात्र निष्कासित करते हैं। मेरुस्थल जो के पौधे होते हैं उनमें पत्तियां नहीं होती बल्कि छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं, और वह जो आपने चित्र में ये नागफली के चित्र दिखाई देते हैं बल्कि वह उसका जड़ ही है, और उसी पौधों से वह प्रकाश संश्लेषण का सामान्य तन से वाष्पीभवन कहते हैं। इसका तना कैसा होता है, मोटा होता है और वह मोटी परत के होते हैं। इसमें पौधे जल रक्षण में सहायता करते हैं और अधिकतर मेरुस्थल पौधों के जड़ में अवशेषण होती है और ये मिट्टी में गहराई तक रहते हैं। अब आगे का पैराग्राफ है बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र। ऐसे अवशासन क्षेत्र सामान्य बहुत ठंडी होती है और इसमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्र में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्र में पौधे एवं जंतु की अनेक प्रजातियां पाई जाती। क्या आपने चित्र 6.9.6 में दर्शाए गए वृक्ष को देखिए। यहाँ पे आपको वृक्ष दिखाई देता है जो पर्वतीय आकाश में कुछ ये पौधे अधिकतर पर्वती में पाए जाते हैं। यानी जो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ठंडी होती है और हवा कैसी चलती, तेज चलती है। तो हवा तेज चलने से यहाँ का कुछ क्षेत्र शीतकाल में हिमपात में पाया जाता है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हो तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष को अन्य क्षेत्र में भी देखा है। यह वृक्ष अपने आवासों में विद्यमान परिस्थिति में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूल है। यह वृक्ष सामान्य सकराकार होता है तथा इसकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इसमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई की आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर घसक जाता है। पर्वत पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्षों में मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इसमें से कुछ अन्य प्रकार के अनुकूल हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि पर्वतीय प्रदेश में भी जहाँ पर्वत होते हैं वहाँ पे भी वृक्ष होते हैं। वह वृक्ष एक शंकु आकार का होता है, उसकी शाखाएं तिरछी होती है, उसमें जो पत्ते होते हैं जिस प्रकार हमारी सुई होती है उस प्रकार के होते हैं। इसमें जो जल होता है, जल एवं हिम यानी जो जल होते हैं वह सरलता से नीचे घसक जाते हैं और वृक्ष में अधिक प्रकार की आकृति हमें दिखाई देती है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वही की परिस्थिति में प्रति अनुकूल होते हैं। जो चित्र 7.9.7 में आपको दर्शाया गया, ऐसी मोटी त्वचा या फिर ठंडे से उनका बचाव करती है। उदाहरण, शरीर में गर्म रहने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी टेंडुओं के शरीर पर भी फर होते हैं, बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंडी से बचाते हैं। पहाड़ी बकरियों के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर चढ़ने के लिए अनुकूल बना देते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्र पर ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों को अनुकूल में विविधता दिखाई देती है। तो यहाँ पे जैसे बच्चों हमने अभी
वृक्ष के बारे में, पर्वतीय वृक्ष के बारे में पढ़ा, उसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में जंतुए भी पाए जाते हैं। जो पर्वतीय जंतुए पाए जाते हैं उनमें भी हमें विविधता दिखाई देती है। उनकी चमड़ी मोटी होती है, उनकी त्वचा मोटी होती है, उन्हें ठंडी से बचाने के लिए अनेक प्रकार के कुदरती बाल भी दिखाई देते हैं। जैसे पहाड़ी पर तेंदुआ होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे रोए के फरे होते हैं, और पहाड़ी बकरियाँ होती हैं उनके जो खुरे होते हैं यानी पाँव के नीचे का जो तलवा होता है वो मजबूत होता है ताकि वो चट्टान पर भी आराम से चल सके। और जैसे जैसे पर्वत क्षेत्र पर चढ़ते जाते हैं अनेक प्रकार का परिवर्तन स्वरूप हमें दिखता जाता है। तो ये आपको बच्चों, मैंने यहाँ तक आपको नौ पाठ, जो हमारा नौवा पाठ था वो आज मैंने पेज नंबर 82 से लेके पेज नंबर 84 तक पढ़ाया, यहाँ ये पैराग्राफ तक। आप इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क यही है कि इसके पार्ट 9 के प्रश्न उत्तर करना है, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको फिर एक बार रिपीट करना है। धन्यवाद।